हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हॉब में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो गार्लिक रिंग्स। इसे बनाना बहुत आसान है और मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका डो बनाना है, कैसे इसे तलना है, और बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये आप सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ में ये नाश्ते की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ी मिर्ची कम डालिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम शानदार लाजवाब नाश्ता। फ्रेंड्स, इससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और आपको पोटैटो गार्लिक रिंग की रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए बनाते हैं झटपट नाश्ता, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, दिखने में लाजवाब और खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब। पोटैटो गार्लिक रिंग बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू, ना बहुत बड़े थे ना छोटे थे, 3 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉईल कर लिया और उसे ठंडा करके कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने से पहले मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। जब हम फ्रिज में रख देते हैं आलू तो उसमें एकदम अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है तो रिंग बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप ये पोटैटो गार्लिक रिंग बनाएंगे आलू को बॉईल करके, जब वो ठंडा हो जाए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो उससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। और हाथ से मत मैश करिएगा, ऐसे कद्दूकस कर लीजिएगा। मैंने कद्दूकस कर लिया तो कहीं पे भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और रिंग बहुत अच्छा बनेगा। 4 टेबलस्पून मैदा मैंने लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं तो उससे काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। और मैंने 2 टेबलस्पून एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। ये आज हम लहसुन का ही बना रहे हैं इसके फ्लेवर का, तो हमें लहसुन अच्छी मात्रा में लेना है, बारीक बारीक एकदम कट करेंगे क्योंकि रिंग्स हमारी पतली रहती हैं। तो थोड़े आप जितना छोटा काटेंगे उतना अच्छा रहेगा, बड़े पीसेस मत काटिएगा। या आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं या आप अच्छे से कूट सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, ये फ्रेश कुटी हुई है तो ये पोटैटो गार्लिक रिंग में टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा देता है। 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, इससे भी काफ़ी कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। 2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए। और मैंने 1/4 कप धनिया लिया है, धनिया को भी मैंने एकदम बारीक बारीक कट किया है। आप जितना महीन कट करेंगे उतना अच्छा है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, फ्रेश फ्लेवर आ जाएगा। और 3 हरी मिर्च है, इसे भी मैंने बहुत बारीक बारीक कट किया है। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसे आप आधी या 1 मिर्च डालिए या इसे स्किप भी कर सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे तो। अब हम एक पैन लेते हैं, पैन में 1 टेबलस्पून घी लेंगे, उसमें हम लहसुन और मैदे को अच्छे से भून लेंगे, दोनों का कच्चापन निकाल देंगे। और आप तेल में भी कर सकते हो, बटर में भी कर सकते हो, आज मैं घी में कर रही हूँ। तो चलिए हम गैस की तरफ जाते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और 1 टेबलस्पून घी ले लिया मैंने, घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम उसमें लहसुन डाल देते हैं। लहसुन एकदम बारीक हमें कट करना है, आप नाइफ से ऐसे दबा के और फिर कट करिए तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अरे, या तो सबसे बेस्ट आप कद्दूकस कर लीजिए। लहसुन को हल्का इसका कच्चापन निकाल देंगे हम। देखिए लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है, 1 मिनट हुआ हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के चला लेंगे। हमें ध्यान से करना ताकि लम्स नहीं पड़े, फिर हम थोड़ा डालेंगे। हम अच्छे से अभी घी में मैदे को भून लेंगे। Thank you.
ये देखिए मैदा अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ पूरा पानी मत डालिए, आधा कप थोड़ा थोड़ा डाल के हम चलाते रहेंगे। ये आधा कप पूरा पानी डाल दिया हमने। अब हम अच्छे से इसे, जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाए, हम ऐसे इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए पानी एकदम सूख लिया है और पैन को छोड़ दिया है, मतलब अच्छे से मैदा भुन गया है। अब हम गैस बंद कर दिए और इसे ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। अभी एकदम ठंडा हो जाएगा तब फिर हम डो बनाएंगे। ये मैदा और गार्लिक एकदम ठंडा हो गया है, अब हम एक इसे बोल में ले लेते हैं और इसे में हम आलू डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। इसमें हम कॉर्नस्टार्च डाल देंगे। आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च और धनिया। अब हम अच्छे से इसका डो बना लेंगे, क्योंकि आलू भी ठंडी है और जो अपने मैदा और गार्लिक किया वो भी ठंडा हो गया है, तो अच्छे से डो बन जाएगा। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया और अच्छा सा एक डो बन गया है। अब थोड़ा सा इसे चिकना करने के लिए मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाऊंगी। थोड़ा सा घी मैंने हाथ में लगा लिया, अब हम डो में लगा के इसे चिकना कर देंगे और रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख देंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया, घी लगाने से थोड़ा सा चिकना हो जाता है। ये देखिए अब हम इसे रेस्ट करने देते हैं और 10 मिनट के बाद में हम रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट डो को रेस्ट करते हो गए हैं। छोटी सी लोई हम ले लेते हैं, एकदम छोटी सी लीजिए, और चौके पे भी मैंने तेल लगा लिया, हाथ में भी मैंने घी लगा लिया है। अब हम इसे ऐसे राउंड करेंगे। साइज आप अपने हिसाब से, बड़ा रिंग चाहिए, छोटा रिंग चाहिए, वैसे आप करिए। मैं मीडियम साइज बना रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ। और ये देखिए ऐसे दोनों को ज्वाइन करके और यहाँ से भी हम थोड़ा सा ऐसा राउंड कर देंगे। ये देखिए रिंग बन गई। ऐसी हम रिंग बना बना के रख लेंगे, तो बहुत बड़ी लोई नहीं लेना है, एकदम छोटी छोटी मैं ले रही हूँ। और चौके पे भी हमने तेल लगा दिया है तो अच्छे से देखिए स्लिप हो रही है। आप दोनों हाथ का ऐसे इस्तेमाल करके, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, ये देखिए बस ऐसे ही तीन तीन चार चार इंच का बना के और ऐसे करके और ऐसे राउंड राउंड कर दीजिए। तो देखिए ऐसे राउंड रिंग बन जाएंगी। ऐसे हम रिंग बना के रख लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हमने तेल ले लिया है पैन में, आप कढ़ाई में भी ले सकते हैं, और तेल गरम हो गया है। अब हम मीडियम आंच रखेंगे और एक एक करके इसमें रिंग्स डाल देंगे। जितना आए एक बार में उतने हम रिंग्स डाल देंगे।
पहले हम एक बार रिंग बना के रख लेंगे और फिर डाल देंगे। बस इतने ही रिंग आएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा बुलबुला कम होगा, थोड़े से रिंग्स ऊपर आ जाएंगे, फिर हम पलटेंगे थोड़े, तो फिर थोड़े शेप में भी आ जाएंगे। अभी थोड़े नरम होंगे, अगर हम पलटेंगे तो टूटने का डर रहेगा। और देखिए सब अपने आप ऊपर आ रहे हैं, हम थोड़ी देर के बाद में किसी भी चम्मच के सहारे से हम पलट लेंगे। देखिए बुलबुले कम हो रहे हैं और रिंग्स ऊपर आ गई है, इसका मतलब हल्का हल्का पक गया है, तो हम थोड़ी देर के बाद में इसे पलट लेंगे। और हम कोई कलछी वगैरह नहीं लगाएंगे, हम ऐसे फोक से ही करेंगे ताकि वो टूटे नहीं। देखिए बुलबुले कम हो गए, अब हम पलट लेते हैं एक 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 करके। आराम आराम से ही हम पलटेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब फिर हम इसे निकालेंगे कटाई से। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा नाश्ता ये बनता है। तो हमने एक बार पलट लिया, अब हम वेट करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम निकालेंगे। देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं इसे। आप टिश्यू पेपर में निकालिए या तो ऐसी किसी छन्नी में निकाल लीजिए, तो जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे निकल जाएगा। और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ऐसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए एकदम क्रिस्पी बन गया है, और इसी तरह हम बाकी के भी बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स तो ये पोटैटो गार्लिक रिंग बन गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, नाश्ते में बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे मायोनीज या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। आज मैंने मायोनीज के साथ सर्व किया है, आप इसे चाय, शाम की चाय, सुबह की चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, और आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेगा। आप इसे तलते समय ध्यान रखिएगा तेल ठंडा ना रहे, वरना ये फट जाएगा। तेल गर्म होना चाहिए, और एक बार आपने डाल दिया तो आप इसे टच मत करिएगा। जब ये अपने आप बुलबुले तेल में बंद हो जाएंगे और ये ऊपर रिंग्स ऊपर आ जाएंगे फिर आप पलटिएगा। तो ये तलने में एक ध्यान देना है, अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे या डालते ही आप उसे पलटने की कोशिश करेंगे तो ये फट जाती है रिंग। बस तेल अपना तेज रहे, ज़्यादा गर्म रहे उसमें डालिए, और ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी रिंग्स बनेंगी और बहुत अच्छा लगता है। हम आलू की बहुत सारी चीज़ें बना के खाते हैं, ये कुछ अलग है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। चाय के साथ तो एकदम लाजवाब लगता है, बच्चे इसे मांग मांग के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आपको ये पोटैटो गार्लिक रिंग्स कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी इसकी रेसिपी तो आप लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रिंग्स कैसी लगी। फ्रेंड्स एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।